भी हमारे रह गए थे। तो आज की क्लास में हम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे और पार्सल डिफरेंशिएशन के ऊपर भी हम आएंगे आज की क्लास में। हाँ जी, देखिए जरा ये क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। अ मोनोपोलिस्टिक हैज द डिमांड फंक्शन, मतलब मोनोपोलिस्टिक का मतलब एक मार्केट की बात कर रहा है, एक ऐसे मार्केट की बात कर रहा है जहां पर ज्यादा क्वांटिटी सेल करने के लिए प्राइस को फॉल करना पड़ता है, और बेसिकली एक मार्केट की बात कर रहा है। इस पर ज्यादा आपको डीप में जाने की नीड नहीं है। तो अ मोनोपोलिस्टिक हैज द डिमांड फंक्शन पी इक्वल टू दिस, बेसिकली डिमांड फंक्शन में पी प्राइस को रिप्रेजेंट करता है और आपके पास में जो है एक्स उसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो डिमांड फंक्शन को पी आपके पास में पी इक्वल्स टू 45 माइनस 5x, जिसमें पी स्टैंड फॉर प्राइस और एक्स जो है कि कितनी क्वांटिटी को खरीदा जा रहा है, कितनी मात्रा को लिया जा रहा है, तो वहां पर वो एक्स रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर मुझे प्राइस पता लग जाए तो यहां पे मैं पता कर लूंगा कि कितनी मात्रा को लिया जा रहा है। एंड द कॉस्ट फंक्शन सी इक्वल्स टू, मतलब की लागत, तो कॉस्ट आप पता 5x, अगर मुझे क्वांटिटी मालूम पड़ जाए तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि कितनी कॉस्ट आ रही है। इफ अ टैक्स ऑफ टी पर यूनिट्स, तो जो टैक्स है वो क्या है, टी है, लेकिन ये क्या पर यूनिट है, पर यूनिट है टैक्स। फाइंड द आउटपुट एंड प्राइस द कोरस्पॉन्डिंग द मैक्सिमम प्रॉफिट, सवाल आ चुका है मुझे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, दिस वन पहली चीज ये। उसके बाद टैक्स रेट दैट मैक्सिमाइज, उसके बाद मुझे अपने टैक्स को भी रेट दैट मैक्सिमाइज द टोटल रिवेन्यू, मुझे अपने टोटल रिवेन्यू को भी मैक्सिमाइज करना है। तो दो चीजों को मैक्सिमाइज करना है इस सवाल में, एक मुझे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, टोटल रिवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है। अब पहले बात कर लेते हैं प्रॉफिट को। तो पहले मेरे पास में जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है जहां तक कि मैं देख पा रहा हूं अभी, कि मुझे ये कहा गया है क्वेश्चन के अंदर कि अपने प्रॉफिट को मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, प्रॉफिट को क्या करना है, मुझे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम करना है, ये मेरा टारगेट है फिलहाल। आइए सॉल्व करते हैं। देखिएगा, बात करेंगे अगर हम प्रॉफिट की, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए प्रॉफिट होना चाहिए ना, तो प्रॉफिट कहां से निकालोगे आप, प्रॉफिट आप निकालेंगे रिवेन्यू से और उसमें आप माइनस कर देंगे कॉस्ट। ठीक है, तो आपके पास में रिवेन्यू होना चाहिए। तो रिवेन्यू कैसे निकलता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो यहां पर अगर मैं रिवेन्यू की बात करता हूं तो प्राइस तो मेरा पी ही है और क्वांटिटी मतलब मेरे पास में एक्स, खैर प्राइस क्या है मेरे पास में देखते हैं, प्राइस पी, प्राइस इंटू क्वांटिटी करेंगे तो प्राइस मेरे पास में क्या है 45 माइनस 5x, और क्वांटिटी बेसिकली जो प्राइस फंक्शन में जो वेरिएबल होता है वो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पर ये x है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आया 45x माइनस 5x स्क्वायर, तो ये मेरा रिवेन्यू आ गया। अब बात करते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट तो मुझे अभी तक तो यही पता है कि कॉस्ट मेरे पास में क्या है 5x है, लेकिन जब गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है तो फिर वो कॉस्ट में ऐड हो जाता है, कॉस्ट और बढ़ जाती है, बात समझ रहे हैं। तो कॉस्ट में गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया तो टोटल टैक्स क्या है मेरे पास में, कॉस्ट मुझे पता है कि कॉस्ट मेरा अभी तक तो 5x है, तो मैं अपना टोटल टैक्स जो कि गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है पर यूनिट पर, तो मुझे टी देना पड़ रहा है, तो मेरी क्वांटिटी कितनी पड़ी उसका रखी है एक्स, तो टोटल टैक्स मेरा क्या है एक्स टी है। तो इसी तरीके से मेरा कॉस्ट अब कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट 5x तो पहले मुझे देना खर्चा आ ही रहा था, अब एक्स टी का खर्चा और आ गया। अब आइए मैं अपने प्रॉफिट की बात कर लेता हूं। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू रिवेन्यू, रिवेन्यू क्या है मेरे पास में 45x माइनस 5x स्क्वायर, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, कॉस्ट क्या है 5x प्लस एक्स टी। ये तो आइए प्रॉफिट देखते क्या आ रहा है। तो 45x माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x एंड माइनस एक्स टी, एंड प्रॉफिट बात अभी मैं प्रॉफिट की कर रहा हूं, प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट क्या बनता है यहां पर मेरा, माइनस 5x स्क्वायर
ये आ गया प्लस का 40x एंड माइनस एक्स टी। क्लियर है जी? तो प्रॉफिट का फंक्शन आ गया कि प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो जिस भी चीज को मैक्सिमाइज करते हैं उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं और उसको जीरो के इक्वल रखते हैं। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज अगर आप कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट का आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो प्रॉफिट का डेरिवेटिव अगर आप लेते हैं किसका, प्रॉफिट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास में, माइनस 10x प्लस 40। ये तो एक्स यहां से एलिमेंट हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस टी। टी आता है यहां पर, आप कॉन्स्टेंट नंबर रख सकते हैं। क्लियर है? और आपको क्या करना पड़ता है, मैक्सिमम के लिए आपको फर्स्ट डेरिवेटिव जो है आपके पास में उसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं। तो यहां पर आपके पास में माइनस 10x एंड माइनस 10x प्लस 40 एंड माइनस टी इक्वल्स टू जीरो। तो सॉल्व करेंगे आप यहां से एक्स की वैल्यू के लिए, तो 40 माइनस टी इक्वल्स टू 10x एंड एक्स इक्वल्स टू क्या आया, 40 माइनस टी अपॉन 10। ये आपके पास में एक्स की वैल्यू आई है। क्लियर है जी? ये बात समझ पाए आप? ये चीज आपको समझ में आ गई? तो x इक्वल्स टू क्या आपके पास में 40 माइनस टी अपॉन में 10, ये मेरे पास में x है। अब यहां से मैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहा हूं, ये भी चेक कर लेता हूं कि भैया मैक्सिमम हुआ नहीं हुआ। वो जब पता लगता है जबकि सेकंड डेरिवेटिव, जिसका पहले डेरिवेटिव ले चुके हो उसका, जब सेकंड डेरिवेटिव जब मैं d2 का dx2, कमेंट करिए बच्चे, बातचीत करने का समय नहीं है। हाँ जी, सेकंड डेरिवेटिव जब आप इसका लेंगे दिस वन, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, माइनस एक्स। क्लियर है? और किसका डेरिवेटिव लेना है आपने, इसका डेरिवेटिव आपने लिया था, ये आया था आपके पास, तो -10 ये आएगा ना, क्योंकि जीरो कांस्टेंट नंबर है, बाकी दो जीरो, -10 तो ये क्या है, लेस देन जीरो हो गया। बात समझ गए? तो ये क्या हो गया कि मैक्सिमम करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए और मिनिमाइज करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। अगर मिनिमम हो, नेगेटिव हो गया तो आपका ये मैक्सिमम है। ये बात समझ में आपको आ गई? क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को तो प्लीज आप यहां पे आप देख लीजिए, पहले समझ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए, देख लो कोई डाउट है आपको। तो यहीं पर आप देख लीजिएगा, आपके पास में x की वैल्यू आ गई है, तो आपके पास में p क्या था, p आपके पास में था 45 माइनस 5x। खैर इसकी इतनी अभी नीड भी नहीं है, बट फिर भी चलिए कोई बात नहीं, ये रहने दीजिए, ये आ गया आपके पास में। अब मैं बात करता हूं रोल रिवेन्यू की। अब देखते हैं, तो यहां पे क्या था आपके पास है, प्राइस इक्वल्स टू 45 माइनस 5x, प्राइस 45 माइनस 5 एंड एक्स की वैल्यू क्या आई है, एक्स की वैल्यू निकल करके आई है 40 माइनस टी अपॉन 10, प्राइस इक्वल्स टू 45 माइनस, सॉल्व करेंगे तो ये तो आपके पास में कट गया, तो माइनस का 20 यहां पर प्लस, और ये आपके पास में 5 से 2 कट गया आपके पास में, तो t/2, तो प्राइस इक्वल्स टू 25 प्लस t/2, तो अभी भी सारा मैटर टी पे फंसा हुआ है। खैर दूसरा किसको कह रहा है मैक्सिमाइज करने के लिए, रिवेन्यू को। रिवेन्यू को मैक्सिमाइज करने की अगर बात कर रहा है तो सबसे पहले आपके पास में आपको रिवेन्यू पता होना चाहिए। रिवेन्यू क्या है, तो आपके पास टैक्स रेट द मैक्सिमाइज द टोटल रिवेन्यू,
टैक्स रेट की बात कर रहा है, तो सबसे पहले टोटल टैक्स कितना है मेरे पास में, तो टोटल टैक्स मेरे पास में है, टैक्स कितना है, टी और गिरा, टोटल टैक्स एक्स टी है, क्लियर है। तो मेरे पास में टोटल रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू में क्या आ जाता है, पहले यहां तक देख लीजिए, कोई डाउट है तो बच्चे पूछे। सर टी इज ट्रीटेड एज द कॉन्स्टेंट हेयर इन द प्रॉफिट मैक्सिमाइज, हाँ टी एज अ कॉन्स्टेंट रहेगा। बच्चे जनरली क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव ले रहे होते हैं वही वेरिएबल होता है, और रेस्ट ऑफ सब कुछ आपका एज अ कॉन्स्टेंट हो जाता है, क्लियर है। बाकी सब कुछ आपका एज अ कॉन्स्टेंट हो जाएगा। हाँ जी, तो बात करें अब टैक्स रिवेन्यू की, टैक्स रिवेन्यू, टैक्स रिवेन्यू क्या है आपके पास में, टी एक्स है, तो आपके पास में टी तो है ही, और आपके पास में एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, कहां पर, ये 40 माइनस टी अपॉन 10, तो टैक्स रिवेन्यू कितना हो जाएगा मेरे पास में, 4t माइनस टी स्क्वायर बाय 10। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये आपका कट जाएगा तो 4t, और यहां पर आपके पास पे माइनस टी स्क्वायर बाय 10, तो ये मेरे पास में आ गया। अब मुझे इसको टैक्स रिवेन्यू को मैक्सिमम करना है, तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना, डेरिवेटिव टैक्स रिवेन्यू का विद रिस्पेक्ट टू टी, तो अगर मैं इसका लेता हूं तो ये क्या जाएगा 4, और यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास में माइनस 1/5 टी, यही रहेगा, और इसको मैं जीरो को इक्वल पुट कर देता हूं, क्योंकि जिस चीज को मैक्सिमम करना होता है उसको जीरो के इक्वल पुट कर दो, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी 20। अब टी की वैल्यू 20 आ गई, तो यहां पर देखिएगा पी की वैल्यू क्या आ गई, 50 + 20/2 10, तो पी इक्वल टू क्या आ जाएगा 35, क्लियर। अब पी आपके पास में अगर वैल्यू आ गई है 35 और टी की वैल्यू 20 है, तो माइनस करोगे 20, तो 20 upon 10 2x = 2, तो सारे वैल्यू आपने आप से निकाल सकते हो, पूछ क्या रहता द टैक्स रिवेन्यू, तो कोरस्पॉन्डिंग टू द क्या कह रहा है, इफ आ टैक्स ऑफ टी पर यूनिट इज इम्पोज फाइंड द आउटपुट एंड द प्राइस द कोरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम, प्राइस भी निकाल लिया आउटपुट भी हमने निकाल लिया, क्लियर है जी। डन, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको बहुत साधारण तरीके से करना था, कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना था, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है, रेवेन्यू का क्या स्ट्रक्चर है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस दिया हुआ था क्वांटिटी एक्स होता है, रेवेन्यू हो गया कॉस्ट में, सिर्फ यही नहीं है आपका जो है टैक्स भी गवर्नमेंट ने लगाया है, तो आपके पास में एक यूनिट पर टी लग रहा है तो एक्स पे एक्स टी लगेगा, टोटल कॉस्ट ये हो गया, प्रॉफिट निकालेंगे तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट कर देंगे प्रॉफिट आ गया। अब जिस चीज को आप मैक्सिमाइज करेंगे उसका आप डेरिवेटिव ले लेंगे, उसको जीरो को इक्वल रख देंगे, आपकी एक्स की वैल्यू आ गई है, और सेकंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आना चाहिए, जब अगर मैक्सिमाइज करें तो नेगेटिव भी आ गया। उसके बाद आपके पास में स्टार्टिंग से आप उठा लीजिए कि प्राइस आपके बेसिकली क्या था, कॉस्ट फंक्शन आपके डिमांड फंक्शन, प्राइस इक्वल्स टू दिस, अब प्राइस इक्वल्स टू दिस था तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर दिया और प्राइस आपके पास में ये आ गया। और उसके बाद कह रहा है टैक्स रिवेन्यू आपको मैक्सिमाइज करना है, तो टैक्स रिवेन्यू मैक्सिमाइज करना है तो टैक्स रिवेन्यू क्या था, ये था, और इस यहाँ पर एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर दिया और ये मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो इक्वल रख दिया, टी की वैल्यू आ गई, अब टी की वैल्यू सब कुछ खुल गया, क्लियर है जी, समझ गए। आउटपुट विच द मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम, आउटपुट एट द विच द एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, आउटपुट एट विच द एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा पहले। डन, ये क्वेश्चन तो हो गया बच्चे, अब मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन पे आ जाता हूं।
अब वही है कि आपके पास में कॉस्ट फंक्शन है, डिमांड फंक्शन इज दिस एक्स इक्वल्स टू वेयर पी इज द प्राइस, द टैक्स ऑफ द टी पर यूनिट इम्पोस्ट। तो बच्चे ये वही सिचुएशन है, वही क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे ही करना है। तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अभी करवा दिया है, तो पेपर रिपीट होता है। 2013 में आया तो देखो आपने, 2012 में जो आया, फिर 13 में तो बहुत बेसिक सवाल आया आपका। अब भगवान करे आपके पेपर में ऐसा सवाल आ जाए, कहानी खत्म हो जाएगी। तीन सवाल, मार्जिनल कॉस्ट आपको निकालना है, आउटपुट एट विच मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम, तो मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम वहां पे आपको आउटपुट लेवल निकालना है। तो मार्जिनल कॉस्ट के लिए इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, इसके डेरिवेटिव को जीरो को इक्वल पुट कर दोगे, क्लियर है, वहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और वहां सेकंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव होना चाहिए जब मिनिमम की बात आती है। तो एवरेज कॉस्ट मिनिमम, और यहाँ पर एसी एंड एमसी जब आपने निकाला और एमसी इक्वल करके वहां से एक्स। तो बच्चे सवाल पेपर में देखो आया हुआ सवाल है, तो ऐसा नहीं है कि चीजें बड़ी डिफिकल्ट, सब बी कॉम ऑनर्स के क्वेश्चन से। मैं भैया पार्शियल डिफरेंशिएशन पे आपको लेकर के चलता हूँ यहाँ से। पार्शियल डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है, इतना नहीं है आपके पास में, मेरा मानना है कि आपके ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होंगे, और चलिए सब कुछ कर लो। इंपॉर्टेंट का मतलब क्वेश्चन हो भी सकता है, क्या एक आधा पॉइंट पार्शियल डिफरेंशिएशन के ऊपर आ जाए, या फिर चॉइस वाला क्वेश्चन आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन के ऊपर आपका बन जाए, तो कोई बात नहीं, इसको आप कर लीजिए, टॉपिक अच्छे से खत्म हो जाएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर आपके पास दो ही क्वेश्चन होने वाले हैं, क्लियर है। लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर टेबल होगा, टेबल को मेंटेन करके आपको बनाना है, दूसरा उसका थ्योरी पार्ट होगा ऑप्शन में। अगर आपका एक ही पार्ट अच्छा है तो आपका अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, आप थ्योरी पार्ट को भी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि थ्योरी उनमें से ही होगी जो आपके टेन्योर में है। और दूसरा आपके पास में पार्शियल ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आपके पास में हो जाना है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का भी क्वेश्चन आपका इजिली हो जाएगा, क्योंकि उसके ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह रिवाइज कर लीजिएगा, वहां पेपर में थोड़ा बच्चे फॉर्मूला भूलते हैं। और फिर मैं इंटीग्रेशन पर अब आपको पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन आज समझा दूं, थोड़ा एप्लीकेशन पे भी लेकर के आऊंगा, कल की क्लासेस में मैं उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड दो चार सवाल करवा दूंगा, तो आपके पास में जो आता है वो करवा दूंगा कल मैं, तो वो आपके पास में पार्शियल डिफरेंशिएशन के टॉपिक भी आपका पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। देन उसके बाद हम इंटीग्रेशन पर आएंगे, और इंटीग्रेशन पर डेली तीन चार सवाल भी करेंगे, तो 20-25 सवाल करने के बाद ही आपका इंटीग्रेशन जो पेपर से रिलेटेड है वो सारा कवर हो जाएगा, 5-7-8-10 दिन में और हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन के ऊपर बात करते हैं, ये तो इस स्लाइड में आपको नहीं मिलेगा, ये इसके लिए हम अगली स्लाइड में जाते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अब हम जिस टॉपिक पर आ गए हैं, टॉपिक का नाम आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। बहुत आसान है, बहुत इजी है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपने पहले किया हो और आपको नया करना पड़ रहा है। हाँ, बस थोड़ी सी कुछ एक बात का ध्यान रखना है कि कैसे करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या होता है कि एक फंक्शन में आपको जो है एक से ज्यादा वेरिएबल आपको मिलते हैं। अभी तक जो आपने डिफरेंशिएशन किया था, अगर आपके पास एक कॉस्ट फंक्शन है तो उस फंक्शन में आपको एक्स नजर आ रहा है, डिमांड फंक्शन है तो वहां पर आपको एक्स या फिर आपको पी नजर आ रहा है, मतलब एक फंक्शन में एक ही वेरिएबल था। यहां पर आपको क्वेश्चन में क्या देखने को मिलेगा कि फंक्शन एक है और दो वेरिएबल आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आपके पास में क्वेश्चन, मैंने एक फंक्शन लिखा है, मैंने जेड फंक्शन है, तो जेड फंक्शन इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है आपको, जेड फंक्शन इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको 2x² y + 5xy - y³। तो आप ये देख रहे हैं कि एक फंक्शन है, कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, x और y वेरिएबल है, क्लियर है।
क्योंकि अभी आप एप्लीकेशन और पार्सल डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि आपको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। क्योंकि एप्लीकेशन और कई बार ऐसा होता है बच्चे कि एग्जांपल के लिए मैं एक कमोडिटी एक्स ले रहा हूं, तो भैया इसकी एक्स कमोडिटी की क्वांटिटी और प्राइस अपनी होगी, मेरी बात समझ रहे हैं। और एक दूसरी कमोडिटी है वाई, इसकी क्वांटिटी क्या ले रहा हूं, इसकी प्राइस क्या ले रहा हूं, डिफर होगा इससे। जरूरी नहीं कि दो कमोडिटी तो दोनों की क्वांटिटी सेम हो, प्राइस डिफरेंट हो। तो जब हम अभी एप्लीकेशन पर जाएंगे तो वहां पर क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है कि एक कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने का दूसरी कमोडिटी की डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा, बात समझ रहे हैं। तो यहां पर दो वेरिएबल कहीं ना कहीं यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाएगा, तो दो वेरिएबल के केस में आप डिफरेंशिएशन कैसे करोगे। इसलिए पहले मैं आपको कैलकुलेशन सिखा देता हूँ कि आप दो वेरिएबल के केस में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, फिर मैं एप्लीकेशन में लेके जाऊंगा तो वहां स्मूथली समझ में आएगा आपको। अभी हम कैलकुलेशन का पार्ट समझ लेते हैं, एप्लीकेशन का पार्ट इसके बाद समझेंगे। हाँ जी, तो देखिएगा जरा, तो z इक्वल्स टू क्या है हमारे पास में, z इक्वल्स टू 2x स्क्वायर y प्लस 5xy माइनस में y क्यूब है। डिफरेंशिएशन करना है, सबसे पहले क्या कह रहा है आपसे, फाइंड। सबसे पहले चलिए हम फाइंड करते हैं, क्या फाइंड डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चे इस केस में आपका ये मतलब है किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप, बताइए किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप x के रिस्पेक्ट में करना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जिसके रिस्पेक्ट में आप करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। क्या dz with respect to x, x की रिस्पेक्ट, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं बस वही वेरिएबल है, बाकी दूसरा वेरिएबल है उसे एज अ कॉन्स्टेंट आपको ट्रीट कर लेना है, एज अ कॉन्स्टेंट नंबर। तो x के रिस्पेक्ट में करना है तो y आपका कॉन्स्टेंट नंबर है, बात समझिएगा। तो सॉल्व करते हैं आप, dz डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x कैसे करेंगे। यहां पर आपके इसके लिए d अपॉन dx करने जा रहे हैं, किस फंक्शन का, 2x स्क्वायर y प्लस 5xy माइनस y, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो बस आपका x ही वेरिएबल है, बाकी सब कुछ क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो dz अपॉन dx इक्वल्स टू, चलिए ज्यादा कांस्टेंट है, तीन चार पांच समझना समझो आप, ये आपको x का बस डेरिवेटिव करना है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 4x और ये y आपका रहेगा, ठीक है। नहीं कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट जाता थोड़ी x के साथ पे, सिर्फ y होता तो खत्म हो जाता। ये यहाँ पर आपके पास में प्लस x है तो x हट जाएगा ना, बाकी कांस्टेंट रह जाएगा 5y। भाई साहब अगर आपके पास में 36x होता है और डिफरेंशिएशन करते हो तो x हट जाता ना, 36 रहता, सारे कांस्टेंट रह जाते हैं ना, इसी तरीके से आपका x हट जाएगा और 5y रह जाएगा, और ये सिर्फ कांस्टेंट है तो जीरो हो गया। तो ये आपके पास में सबसे पहले आपको आपका रिजल्ट मिल गया, इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, बात समझे, क्लियर है। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन में अब आपसे अगला सवाल पूछ रहा है, यहां पर सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, अब आप निकालो डी जेड अपॉन डी वाई। तो कोई बात नहीं, डेरिवेटिव निकालना है बट विद रिस्पेक्ट टू वाई, किसका निकालना है वो लिख लेता हूं मैं, वही 2x स्क्वायर y प्लस 5xy माइनस y क्यूब। तो यहां निकालेंगे dz अपॉन dy इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे तो आप देखिए y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो y वेरिएबल बाकी x कांस्टेंट है, तो 2x स्क्वायर क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो कुछ कर ही नहीं सकते आप, ये y आपका हट गया प्लस 5x y हट गया, क्लियर है जी, बात समझे। अब यहां पर आपके पास में इसका सिर्फ y का डेरिवेटिव, y का डिफरेंशिएशन होगा ना, तो यहाँ y का होगा तो हट जाएगा बाकी कांस्टेंट, y हट जाएगा बाकी कांस्टेंट, यहां पर y का होगा तो 3y स्क्वायर, बात समझे। तो ये आपके पास में आएगा, क्लियर है जी, बात समझ रहे हैं, x का नहीं होगा, क्लियर है, 2x स्क्वायर रहेगा, क्लियर है। तो ये आपके पास में आ गया, तो अब आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन का बेसिक सा कैलकुलेशन आपको पता लग गया, कोई डाउट किसी बच्चे को। अब बात करते हैं हम, जैसे मेरे पास में एक यही सवाल है, ये आप जरा ट्राई करो, इसको डिफरेंशिएशन करें जरा आप, इसका करिए जल्दी से करिए।
करिए जल्दी से। हाँ डन। देखिए सामने देखिए, यहां पर आप सॉल्व करेंगे इसको। जेड इक्वल्स टू क्या आपके पास में, जेड इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए आपको सबसे पहले डेरिवेटिव किसका लेना है, डी जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सिर्फ एक्स का ही डिफरेंशिएशन करना है, दूसरे को ऐसा कॉन्सेंट्रेट करना है। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन एक्स दिस वन, और अगर ये एक्स नहीं है तो चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका भी डिफरेंशिएशन दोबारा करना पड़ेगा, है ना। तो डी अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट में इसका करोगे ना चेन रूल, वो तो जगह पहले सीखा, वो तो आपने सीख ही लिया है। तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपके एक्स के रिस्पेक्ट में तो एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, तो टू एक्स वाई एज अ कॉन्स्टेंट जीरो हो जाएगा। तो क्या हुआ आपका, टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसी क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहा है आपसे, कि आपको डी जेड अपॉन डी वाई, वाई के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो ठीक है जी, डी वाई के रिस्पेक्ट में भी निकालेंगे डेरिवेटिव। तो मेरे पास में फंक्शन क्या है, लॉग अंडर रूट ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो उसका डेरिवेटिव लेंगे, डी जेड अपॉन डी वाई इक्वल्स टू वन अपॉन लॉग, वन अपॉन एक्स होता है सॉरी, हाँ वन अपॉन लॉग एक्स क्या होता है, वन अपॉन एक्स। तो वन अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई किसका लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे, डी जेड अपॉन डी वाई इक्वल्स टू क्या होगा मेरे पास में, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट किया गया। तो ये हो जाएगा टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है जी। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक टर्म्स थे बता दिए मैंने, बाकी जो आपको डिफरेंशिएशन सीख रखा वही आपने सीखना है। सर वॉइस हो रही है यार, होने नहीं चाहिए भाई, क्लास से पूरी बाकी है। क्लियर है। अब चलिए अब बात करता हूं एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन की मैं बात करता हूं, तो उससे पहले सबसे पहले आप इस बात को समझिएगा, दो तरीके की गुड्स होती हैं। जिस तरह के क्वेश्चन करवाने के लिए जा रहा हूं उससे रिलेटेड थोड़े से नॉलेज होनी चाहिए आपको, और आपको है भी, बस थोड़ा रिमाइंड करवा देता हूं, थोड़ा बेस बन जाएगा आप लोगों का। एक बच्चा होता है सब्स्टिट्यूट गुड, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, इसको कॉम्पिटिटिव गुड्स भी कहते हैं। क्लियर है, क्यों कॉम्पिटिटिव कहते हैं मैं बात करूंगा इसके ऊपर। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, ऑब्वियसली जब आपके पास में देखिए दो तरह के गुड्स होते हैं, एक ओरिजिनल एक सब्स्टिट्यूट। जनरली आप डेली बेसिस पर जिस गुड्स को आप यूज करते हो, जिस गुड्स को आप कंज्यूम करते हो, वो आपके लिए ओरिजिनल गुड्स हो गया। ठीक है, अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, खैर मैं तो नहीं कंज्यूम करता हूँ, बट मान लो कि कोई एक जो है डेली टी कंज्यूम करता है, टी तो उसके लिए ओरिजिनल गुड्स टी है। बट कोई दूसरा अदर पर्सन है वो डेली कॉफी कंज्यूम करता है, तो उसके लिए जो है ओरिजिनल गुड्स कॉफी है। तो किसी गुड्स के ऊपर टैग नहीं लगा हुआ कि ये ओरिजिनल है या ये सब्स्टिट्यूट है। जनरली आप जिसका यूज कर रहे हैं वो आपके लिए ओरिजिनल गुड्स है। ठीक है, बट वो जब अवेलेबल नहीं होता है तो उसी की जगह पर आप किसी और को यूज में लेकर आते हो, तो जो उसको रिप्लेस किसी और से करा, तो वो जो कोई और है ना वही उसका सब्स्टिट्यूट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आप टी के कंज्यूमर, आप डेली बेसिस पर आप टी कंज्यूम करते हैं, तो आपके लिए ओरिजिनल गुड्स टी हो गया।
लेकिन अगर आपके पास में उस दिन टी नहीं मिला, आप कहीं हैं शादी ब्याह में, कहीं बाहर गए हुए, टी नहीं है आपके आसपास, तो आपने क्या करा उस टाइम पर, कॉफी से अपना काम चला लिया, तो कॉफी उस समय आपके टी का सब्सटीट्यूट हो गया, तो टी ओरिजिनल गुड्स हो गया, कॉफी सब्सटीट्यूट गुड्स हो गया। आप पेपर में बॉल पेन से जनरली लिखते हैं, तो बॉल पेन आपका ओरिजिनल गुड्स है, बट एग्जाम में बॉल पेन नहीं है, खत्म हो गया, किसी से पेन मांगा जेल पेन मिला, जेल पेन से शुरू हो गए, तो जेल पेन आपका सब्सटीट्यूट हो गया, जनरली आप बॉल पेन यूज करते हैं, तो बॉल पेन आपका ओरिजिनल गुड्स हो गया। तो आपके पास में एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए, मैं दो तरह गुड्स की बात कर रहा हूं, मैं एक ओरिजिनल गुड्स की बात कर रहा हूं, सब कुछ पढ़ाना पड़ रहा है भाई साहब, माइक्रो मैक्रो कोस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग सब कुछ है, क्या नहीं है बताइए बिजनेस में। इसमें ओरिजिनल गुड्स देखा जाए तो कायदे के अनुसार से कोर्स का प्राइस 5,000 रुपए के आसपास होना चाहिए ओरिजिनल गुड्स, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग हंसते खेलते बस अपने पॉकेट मनी से ही खरीद लो, कोर्स ले लो, यही हमारे लिए बड़ी बड़ी बात है ओरिजिनल गुड्स। और हमारे पास में क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्लियर है जी? तो ओरिजिनल गुड्स में मैं टी कंसीडर कर लेता हूं, टी सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या बताइए, ऑब्वियसली बहुत पुराना एग्जाम्पल है तो कोई बात नहीं, मुझे तो समझाना, मुझे एग्जाम्पल से क्या मतलब, टी एंड कॉफी। अब एक बार बताइए बच्चे, टी मार्केट में मान लो 10 रुपए का है, कॉफी मार्केट में 15 रुपए का है, जब ये एग्जाम्पल लेना शुरू किया था मैंने तो उस समय चाय 3 रुपए हुआ करती थी, तो 3 रुपए से एग्जाम्पल लेना शुरू करा, आज 10 रुपए पर ही आ गया एग्जाम्पल। अरे 5,000 तो सोल की फीस भी नहीं है, या 5,000 तो एसोल की फीस भी नहीं है बच्चे, मैं आज से 10 साल पहले पढ़ा हूं, इससे ज्यादा तो फीस में पढ़ा हूं, आज से 10 साल पहले मैंने खुद अपनी स्टडी की है, तो वो एसोल की फीस है या नहीं है, सरकारी स्कूलों की फीस है या नहीं है, वो मैटर नहीं करता है, पर आप भी कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आप भी जानते हैं कि जनरली आपने 11th 12th में या जहां जैसे भी आपने कोचिंग करी थी, तो कम से कम तो एक सब्जेक्ट का मिनिमम पूरे साल में, पूरे कोर्स का कम से कम, तो अगर आपने अपने गली मोहल्ले के बिल्कुल आपने अपने ऐसे क्षेत्रों में भी पढ़ाई की है, तब भी 5,000 रुपये एक साल में तो आपका चला गया होगा, 700-800 रुपये अगर महीना भी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो एक साल में, तो 5-6-7 हज़ार रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपने एक साल के अंदर पे करा है। लेकिन जनरली अभी भी इसकी फीस जो बिजनेस मैथ्स या फिर जैसे 11th 12th की फीस होती है वो 25,000-20,000 रुपये का अराउंड जो है ये रहती है फीस, पर हमें इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, हम तो बस यही चाहते हैं कि भैया जो भी आपको जितने में भी आपको हम कम से कम कोशिश करते हैं ताकि भैया आप इजिली उसको जो है अपने चलते फिरते, मतलब घर वालों को पता भी नहीं कि आपने एडमिशन ले लिया, मतलब इतनी फीस पता भी नहीं चला कि आज भैया अपने जेब से अपने पॉकेट मनी से आपने कोर्स ले लिया, वो जेन्युइन फीस हम रखते हैं, और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस चीज को मेंटेन रखें। चलिए आते अपने टॉपिक पर, तो बच्चे 10 रुपये 15 रुपये, अब क्या हो रहा है, मैं ओरिजिनल गुड्स की बात कर रहा हूँ टी, तो मैं टी का प्राइस जो है इसका प्राइस कांस्टेंट कर रहा हूं, इसके प्राइस जो है वो कांस्टेंट, मतलब प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, मैं इसको घेर देता हूं, ये लो प्राइस में किसका चेंज आएगा, सब्स्टिट्यूट के प्राइस में चेंज आएगा, तो इसका प्राइस जो है मैं क्या कर देता हूं 20 रुपये कर देता हूं, 20 रुपये प्राइस क्या हुआ इसका, सब्स्टिट्यूट का प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हुआ, इंक्रीज। तो क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा, इम्पैक्ट ये देखने को मिलेगा कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स के जो कंज्यूमर हैं उनके लिए अब कॉफी को कंज्यूम करना एक्सपेंसिव लगेगा, है ना, और वो क्या होंगे, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स के कंज्यूमर अगर कंपेटेबली टी की प्राइस को देखेगा तो टी रिलेटिवली चीपर लगेगा, अब उसको मैं ये नहीं कह रहा टी सस्ता हो गया, वो है ही उतना, बट इसकी प्राइस बढ़ जाने से रिलेटिवली चीपर हो गया टी, तो वो अट्रैक्ट होंगे, और कॉफी के कुछ कस्टमर हो मे भी हो सकता है कि टी की तरफ शिफ्ट हो जाए, टी के नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ जाएंगे और टी की डिमांड बढ़ जाएगी, तो आप प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर इंक्रीज हुआ तो आपका डिमांड ऑफ ओरिजिनल गुड्स ये क्या हुआ, ये बढ़ गया, बात समझे,
देखिएगा, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, मतलब प्राइस किसी और का, डिमांड किसी और की, बात समझ रहे हो आप? तो प्राइस किसका? सब्स्टिट्यूट्स का। तो आप इस बात को समझिएगा, डिमांड की अगर आप बात कर रहे हैं तो डिमांड ऑफ, आप ऑलवेज ओरिजिनल गुड्स की डिमांड की ही बात करेंगे। प्राइस की बात कर रहे हैं तो प्राइस ऑफ आप सब्स्टिट्यूट गुड्स की कर रहे हैं, तो ये प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या हुआ? बढ़ा। और यही प्राइस अगर कम हो जाता, मान लो यही पे प्राइस अगर आपका कम हो जाता, यही प्राइस आपका 8 रुपये हो जाता, तो क्या होता कि ठीक है, कंज्यूमर को और रिलेटिवली कॉफी चीपर लगती और ये कंज्यूमर शिफ्ट हो जाते, इसकी डिमांड डाउन हो जाती। तो अगर रिलेटिव गुड्स की प्राइस अगर डाउन हो जाए तो टी की डिमांड क्या होगी? टी की डिमांड डाउन होगी। इसका क्या मतलब है? देर आर पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड डिमांड ऑफ ओरिजिनल गुड्स। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अब आप मुझे एक बार बताएं, एक गुड्स एक्स है और एक वाई है, ठीक है, मैं इसकी प्राइस की बात कर रहा हूं और मैं इसकी डिमांड की बात कर रहा हूं। प्राइस इंक्रीज हुआ, इसकी डिमांड इंक्रीज हुई, प्राइस डिक्रीज हुई, इसकी डिमांड डिक्रीज हुई, बताओ दोनों गुड्स कौन से होंगे? दोनों गुड्स कौन से होंगे? हाँ जी, तो ये क्या है मेरे पास में डिमांड, ये गुड्स कौन से, ये सब्स्टिट्यूट, ये कौन सी है, ये दोनों गुड्स जो हैं एक दूसरे की क्या है, सब्स्टिट्यूट, ऐसे पता लगेगा सब्स्टिट्यूट। तो देयर आर पॉजिटिव, अगर आप एक गुड्स के प्राइस में जिस डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, दूसरी गुड्स की डिमांड में भी उसी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब है कि दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स है और रिजल्ट आपका ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो बात करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी बेसिकली होता क्या है। अब आप इस बात को समझिएगा कि क्रॉस इलास्टिसिटी क्या रहता है, हर चीज को बड़े डिटेल में बताऊंगा, जरा ध्यान से समझ लीजिए एक बार आप, कि एक्स कम्युनिटी है और मैं इसकी, एक्स कम्युनिटी है तो इसकी मैं डिमांड की बात कर लेता हूँ, एक्स की डिमांड है, एक्स की अपनी एक कम्युनिटी है, मान लो ए गुड्स है, तो इसकी अपनी प्राइस जो है वो 10 रुपये है, प्राइस 10 रुपये है, क्लियर है जी, और P1 12 हो गया, और इसकी अपनी डिमांड मतलब एक्स इक्वल्स टू क्या है, चलो P1 12, और डिमांड इसकी मतलब कि एक्स इक्वल्स टू क्या है आपके पास में 100, और डिमांड जो है अब इसकी नई डिमांड क्या होगी, 60, क्लियर है। तो अब दूसरी गुड्स भी है मार्केट में, बाई बी इसकी जो अपनी डिमांड, अपनी जो इसकी प्राइस है, वो कुछ हो सकता है 20 रुपये, चलिए 20 रुपये, और इसकी अपनी एक डिमांड है, मैं दूसरे वेरिएबल में ले लेता हूँ डिमांड को, ठीक है, वाई 100, 100 जो भी है 1000, और इसका अपना एक न्यू प्राइस है P1 25, और इसकी जो डिमांड है वो 1000, अब इसकी जो डिमांड हो गई 800, प्राइस बढ़ गया ना, कम हो गई ये। तो अगर आप यहां पर देखेंगे, अगर आप यहां देखते हैं कि मैं गुड्स ए की अगर मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालता हूँ, गुड्स ए की अगर मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालता हूँ, तो यहां पर मैं गुड्स ए की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ऐसे निकाल सकता हूँ ना, क्या ईडी डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, ऐसे निकालूंगा ना। तो बच्चे जब मैं ए गुड्स की प्राइस ले रहा हूं, बात समझ रहे हैं, और ए गुड्स की ही मैं डिमांड ले रहा हूं, ए गुड्स की ही बात कर रहा हूं, तो बच्चे ये क्या है, ये मेरा डायरेक्ट इलास्टिसिटी होता है, ये जो हमने पहले निकाल रखा है, इसे क्या बोलते हैं, अगर मैं इसी की इलास्टिसिटी निकालूंगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट इलास्टिसिटी। अच्छा, इसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट इलास्टिसिटी कहेंगे, इसी की प्राइस और इसी की डिमांड, एक कमोडिटी की प्राइस डिमांड की बात कर रहा हूं। अगर आप यहां निकालेंगे भी तो ईडी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू
बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, ईडी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू क्या है मेरे पास में 40, डेल्टा पी क्या है मेरे पास में 2, इंटू प्राइस क्या है मेरे पास में 10, क्वांटिटी क्या है मेरे पास में 100। सॉल्व करेंगे 5, सॉल्व करेंगे 2, क्या आया 2 ईडी। तो ये डायरेक्ट ईडी है, अभी डायरेक्ट ईडी आप निकाल सकते हो। इसमें क्या है, ईडी इक्वल्स टू दिस डेल्टा क्यू, डेल्टा चेंज इन क्वांटिटी कितनी है 200, डेल्टा पी कितनी है आपके पास 5, इनटू प्राइस ओरिजिनल प्राइस 20 एंड ओरिजिनल क्वांटिटी 1000। तो 3 जीरो से ये तो चला गया आपका, तो आपके पास में क्या आ गया 4.08। तो ये भी बच्चे आपके पास में क्या डायरेक्ट एडी है। लेकिन अब मैं बात क्या कर रहा हूं उसको जरा देखिएगा, अब थोड़ा डिफरेंस समझ जाइए क्या है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आज आपको थ्योरी क्लियर होगी तो कल मैं न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से आपको क्लियर करवा सकता हूं। अब मैं ए गुड्स की क्या ले रहा हूं, प्राइस ले रहा हूं। क्या है, ए गुड्स की प्राइस 10 रुपए से 12 रुपए हो गई। और मैं बी गुड्स की क्या ले रहा हूं, डिमांड ले रहा हूं। इसकी फिर डिमांड में चेंज आ गया, वो क्या हो गया 1000 से 800 हो गया। तो प्राइस किसी और का, डिमांड किसी और का। तो आइए देखते हैं कि भैया इसके प्राइस में कितने परसेंट चेंज आया, बात समझे, या फिर मैं ईडी ही निकाल लेता हूं। तो डेल्टा क्यू क्या है मेरे पास में 200, ठीक है 1000 नहीं, डेल्टा क्यू क्या है मेरे पास में, प्राइस क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया, डिमांड चलो मैं ले रहा हूं 1200, ठीक है। तो यहां पर मैं निकाल रहा हूं ईडी, ईडी निकाल रहा हूं। तो डेल्टा क्यू क्या है, कैसे माइनस कर लो, दिस वन ऐसे माइनस कर रहे 200, डेल्टा पी फिर उसको भी ऐसे माइनस करना पड़ेगा 2, इंटू प्राइस बाय क्वांटिटी। तो सॉल्व करेंगे 3 जीरो से 3 जीरो और ये आपके पास कट गया। तो ईडी इक्वल्स टू क्या आया आपका 1, पॉजिटिव आया ना ईडी, पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब क्या है कि एक का प्राइस अगर इंक्रीज हुआ है, एक का प्राइस इंक्रीज हुआ और दूसरे गुड्स का डिमांड वो ही बढ़ गया, तो पॉजिटिव रिलेशन है। तो इसका मतलब क्या है, ये ए और बी जो दोनों गुड्स है ये कॉम्पिटिटिव गुड्स है, ये सब्सिट्यूट गुड्स है, बात समझ गए। और इसको हम क्या बोलते हैं, जब प्राइस एक का डिमांड किसी का, इसी को हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब प्राइस एक कमोडिटी का लेते हैं और डिमांड दूसरे कमोडिटी का लेते हैं, बात समझ गए। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स पता लग गया। इस केस में अगर आप ईडी कैलकुलेट करते हो तो आपका पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है, एक गुड्स कौन सा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उसको पूरक वस्तु कहते हैं, लाइक कार एंड पेट्रोल, ये सब आपको पहले से पता है। अगर आपको पता है कि कार की प्राइस, सॉरी प्राइस इसकी लेते हैं, डिमांड इसकी लेते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया। पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होगी तो कार की डिमांड कम होगी, तो यहां पर आपके पास भी क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगा, यहां पर क्रॉस इलास्टिसिटी आपका जो है वो नेगेटिव आएगा। तो किसी का भी क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब साफ है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, और किसी का भी क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब है वो सब्स्टिट्यूट या फिर कॉम्पिटिटिव गुड्स है। क्लियर है, डायरेक्ट ईडी तो निकालना सिखा रखा है मैंने। तो अब यहां पर ये सब तो बातें कर चुके हैं हम, बहुत पुरानी बात है। वन मतलब पहली कमोडिटी, टू मतलब दूसरी कमोडिटी, हाँ आप कह सकते हो पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स से लेकर आ रहा है। हाँ जी हाँ, यहां पर आपके पास में एक्स वन रिस्पेक्ट टू पी टू, द क्रॉस क्रॉस एक्स वन फंक्शन का है, फंक्शन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी। चलिए देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है, फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो एक तो डायरेक्ट ईडी निकाल सकता हूं मैं, क्रॉस इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। तो आज टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लासेस में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, तो गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है बच्चे, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। बात समझिए, कल की क्लासेस में पूरा आपको क्लियर करूंगा, अभी टाइम नहीं बचा हमारे पास में। ठीक है जी,